भीकनगांव नगर में रैपिड एक्शन फोर्स तथा स्थानीय पुलिस का संयुक्त दल बस स्टैंड के पास फ्लैग मार्च पर था, तभी अचानक पूर्व में निलंबित भीकनगांव सीएमओ मोहन सिंह अलावा शराब के नशे में धुत होकर अपनी आर्टिका कार को तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए आया, जिसने फ्लैग मार्च को देखते हुए बस स्टैंड तरफ से वापस खरगोन रोड तरफ घुमाई, जिस दौरान राजा जायसवाल की होटल को टक्कर मारी, जिसमें नुकसान हुआ। फिर फल फ्रूट के ठेले के पत्रे को टक्कर मारकर गाय को ठोकते हुए शनि मंदिर तक और चार राहगीरों को रोद कर घायल कर दिया, जिसमें रामलाल निवासी कोदला जागीर को गंभीर चोट आई है। गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद खरगोन रेफर किया गया है, जिस दौरान टक्कर से घायल हुए कोदला निवासी रामलाल धनगर की मौत हो गई। पुलिस ने सीएमओ का मेडिकल करवा कर हिरासत में लिया, सीसीटीवी कैमरे के द्वारा भी जांच कर एफआईआर दर्ज की। भीकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। ये करीब 12 दोपहर में 12:05 के आसपास जो है अर्टिगा गाड़ी में, जो कि पूर्व सीएमओ जो थे मोहन सिंह अलावा, वो बस स्टैंड से निकले और बस स्टैंड से राउंड करते हुए काफ़ी फल के ठेले को, कुछ मोटरसाइकिलों को टक्कर मारते हुए जो है गाड़ी को घुमाते हुए आगे शनि मंदिर तरफ ले गए, जहाँ पर और भी 2-3 लोगों को टक्कर मारी। उसके बाद गाड़ी का टायर फटने के बाद गाड़ी रुक गई, गाड़ी भी काफ़ी डैमेज हो गई। चूँकि उस समय जो है पुलिस फोर्स भीकनगांव द्वारा एवं आरएएफ के बल द्वारा जो है मौके पर ही उसी समय जो है फ्लैग मार्च किया जा रहा था, तो तुरंत पुलिस ने अपना मोर्चा संभालते हुए जो है जो भी घायल है उनको भी अस्पताल पहुँचाया और संबंधित जो गाड़ी टकराई थी उनकी गाड़ी को भी जो है राउंड अप किया गया और जो भी घटना दुर्घटना थी और आने वाली जो भी थी उसको संभाला गया। और अभी करीब इसमें जो है 5 लोग घायल हैं, जिनमें से एक राजा राम है, वो जो कि कोदला जागीर के हैं, वो काफ़ी गंभीर है, उनको खरगोन अस्पताल रेफर किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।